10 अगस्त को रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर ने 10 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए हैं। बता दें कि भारत में जेलर ने 250 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें से सिर्फ साउथ बेल्ट में फिल्म ने महज 5 दिनों में ही 134 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। रजनीकांत की जेलर की रिलीज के एक दिन बाद 11 अगस्त को बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में गदर 2 और ओएमजी 2 भी रिलीज हुई, लेकिन इस लड़ाई का बुरा असर जेलर फिल्म पर बिल्कुल नहीं पड़ा। पब्लिसिटी और फिल्म का क्रेज होने के बावजूद गदर 2 फिलहाल 433 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर से कहीं पीछे है। अब इसका कारण जान लेते हैं कि गदर 2 रजनीकांत की फिल्म से क्यों पीछे रह गई। साउथ और बॉलीवुड फिल्मों की कमाई में दिख रहे अंतर का सीधा सा कारण स्क्रीन काउंट है। पहले आपको बता देते हैं कि स्क्रीन काउंट का मतलब है रिलीज होने वाली फिल्मों को मिली स्क्रीन्स या कितनी स्क्रीन्स पर फिल्म को रिलीज किया गया है। भारत में 2023 में कुल 10,167 सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं, जिनमें से साउथ बेल्ट के पास 6,320 सिंगल स्क्रीन्स हैं। जब साउथ में इतनी बड़ी संख्या में थिएटर में कोई रीजनल भाषा की फिल्म लगती है तो साउथ फिल्मों के फैंस बड़ी संख्या में फिल्म देखने पहुंचते हैं, जिसका सीधा असर कलेक्शन पर भी देखा जा सकता है। साउथ की ऑडियंस और थिएटर काउंट का फायदा देखते ही भारत में अब पैन इंडिया फिल्मों का चलन भी बढ़ रहा है। इसके अलावा ज्यादा स्क्रीन टाइम का फायदा भी फिल्म की कमाई पर पड़ता है।